अनेकों पुराणों में ऐसा प्रसंग आता है, गरुड़ पुराण में भी कई चीजें लिखी हैं और अन्य अन्य पुराणों में भी ऐसा इसका उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न हम सभी का रहता है कि महाराज जिनको मरने वाले एक साल के बाद भी, सारी क्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर स्वप्न में आते हो जाने वाले लोग, तो उसे क्या समझा जाए। ध्यान से सुने, मृतात्मा प्रेत होने के प्रमाण, कहने का मतलब है वो प्रेत से पितर नहीं बने, वो प्रेत से पितर नहीं बने, वो प्रेत ही हैं। कौन? जो स्वप्न में आते हैं। जो आगे की सीढ़ी थी, उस सीढ़ी को जहां उन्हें पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंचे। आज मैं इसको पूरे ढंग से वर्णन कर रहा हूं, हो सकता है मुझे 10-5 मिनट लग जाएं, लेकिन ये सब बड़े ध्यान से सुनिए आप। देखो, पितृ पक्ष में पितरों से हम कृपा कैसे पाएं, इसी के लिए ये मेरा विशेष प्रयास है। गरुण पुराण होने के बाद भी पूरा हो गया है वो, इसके बाद भी मैं रोज कुछ न कुछ आपको सुना रहा हूं, इसके पीछे रीजन यही है। एकमात्र रीजन है कि जो गरुण पुराण में मैं रह गया था, मेरे से जो मैंने नहीं कहा और जो हमारे पितरों को प्रसन्न करने का कार्य है, वो हम कैसे कर सकें। अब हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो हमारे पितर बने कि नहीं बने, या अभी प्रेत ही हैं। पितरों प्रेत से पितर होने में उसे कुछ समय लगता है, उस समय के बाद भी, साल भर बाद भी अगर वो स्वप्न में दिख रहे हैं, इसका मतलब है अभी पितरों की संख्या में वो गए नहीं है, ऐसा प्रमाण है। अपने परिवारजनों को, संबंधियों को या परदृश्य को स्वप्न में दिखाई पड़े तो ये समझना चाहिए कि उसकी न तो कोई मुक्ति हुई है और न स्वर्ग या नरक में भी गमन नहीं हुआ, न सदगति और न अन्य किसी और योनि में उनका जन्म हुआ है। अभी वो किसी और योनि में भी उनका जन्म नहीं हुआ है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। उसके स्वप्न में दिखाई देने का तात्पर्य ही है कि वो अभी मृतात्मा, अभी प्रेत रूप में ही पड़ा हुआ है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है? स्कंद पुराण में, कि अगर वो किसी प्राणी को, परिवारजनों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को स्वप्न में देते हैं, दिखाई पड़ते हैं या कभी कभी अनुभव कराते हैं कि हम यहां हैं, इसका मतलब है कि वो न तो पितृ हुए, न उनकी मुक्ति हुई, और न वो अभी स्वर्ग गए, न वो अभी नरक में गए, और ना ही अभी किसी और योनि में उनका जन्म हुआ है। जो लोग अभी तक तुमको स्वप्न में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनका ये दशा है। अब सुनो, जब प्रेत से पितर न बने तो उसका दुष्परिणाम क्या है, ध्यान से सुनना। पुत्र होता ही इसलिए है कि प्रेत से पितृ बनवावे, परिवार होता ही इसलिए है कि प्रेत से पुत्र बनवा वा पितृ बनवावे। लेकिन तुमने ये कार्य किया ही नहीं जिससे वो प्रेत पितृ बने, तो जब प्रेत ही बना रहेगा तो प्रेत को कितना दुख होता है मालूम है आपको? नहीं मालूम, नहीं मालूम, क्योंकि दिखाई तो पड़ता नहीं, सुना हमने उतना है नहीं, तो प्रेत के दुख तो हमें समझ में आते नहीं। सुनो, आज सुन लो जी भर के, वो कितना दुख पाते हैं प्रेत योनि में। अब वो ही दुख नहीं पाते, माय डियर, दुखी आदमी तुम्हें सुख नहीं दे सकता, ये सुनना। और आज पूरा उल्लेख लाया हूं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे घर में 99% इनमें से एक चीज हो रही होगी। जिनके स्वप्न में आते हैं पितृगण या जो जाने वाली आत्माएं जिन्हें हम प्रेत कह रहे हैं, अगर आपको ये स्वप्न में आते हैं तो इनमें से कई चीजें आपके घर में हो रही होंगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं।
क्या क्या होता है सुनो, जो मृतात्मा सदगति के अभाव में प्रेत ही रह जाते हैं वह स्वतः तो कष्ट पाते ही हैं। क्यों? खाने की चीजों को देखकर भी वो खा नहीं पाते, जल को भी देखकर वो जल पी नहीं सकते, वो वायु का ही भक्षण करते हैं, मात्र वायु का भक्षण करते हैं, पिपासाद भोगते हैं, साथ ही वह परिवारिक जनों को भी अनेक प्रकार से दुख देते हैं। क्योंकि जब वो खुद दुखी हैं तो तुम्हें भी सुखी नहीं होने देंगे वो, क्यों? तुम्हारी वजह से तो प्रेत रह गए, वो तुम्हारे अकर्मण्यता के कारण ही वो प्रेत रह गए, तो तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण जब वो प्रेत रह गए तो वो दुख पा रहे हैं, और जब वो दुख पा रहे हैं तो तुम्हें सुखी कैसे होने देंगे वो, किस तरीके से तुम्हें सुखी कर दें वो? जब वो खुद दुखी हैं तो तुम्हें क्या क्या देते हैं जरा सुन लो, कृपा करके सुन लो, सुनो। जब वो स्वयं दुखी होते हैं तो अपने परिवारिक जनों को अनेक प्रकार से दुख पहुंचाते हैं। वो किस किस प्रकार से दुख पहुंचाते हैं? आपके घर में अगर ये घटना घट रही हो तो निश्चित समझना चाहिए कि हमारे ऊपर पितरों का मीन्स हमारे उन्हीं प्रेतों का प्रकोप है, उन्हीं प्रेतों का प्रकोप है जो स्वप्न में हमको दिखाई देते हैं। क्या क्या करते हैं वो? जिस परिवार में स्त्रियां ऋतुकाल प्राप्त होने के बावजूद भी संतान को जन्म न दे सकें, मतलब आपकी वंश वृद्धि को रोक देते हैं, सबसे पहला उनका प्रकोप होता है कि सारी स्थिति, स्त्री में भी कोई कमी नहीं है, पुरुष में भी कोई कमी नहीं है, दोनों साथ में भी हैं, व्यवहार भी अच्छा है, ऋतुकाल भी प्राप्त हो रहा है, बावजूद इसके संतति आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हमारे वो प्रेतगण जो हैं वो हमारी संतति को रोक देते हैं, वो निष्फल कर देते हैं, वो ऐसा होने नहीं देते, फलस्वरूप वंश वृद्धि न हो पाए। और जिस घर में अल्प आयु में लोग मरने लगे, इन्हीं दिनों में कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिना कोरोना के ही अकारण ही जवान जवान लोग मृत्यु के घाट पे उतर गए, अकारण ही, चाहे वो एक्सीडेंट से, चाहे वो खुद के किसी क्रोध की वजह से, या कोई रीजन नहीं था, फिर भी अकारण ही जवान मृत्यु, घर में अचानक से जवान अल्प आयु में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। जीविका के साधन जहां से आप रोटी कमाते हैं, सैलरी कमाई करते हैं, अचानक से ऐसा होता है कि आपकी नौकरी छूट गई, आपकी जॉब छूट गई, आप खूब प्रयास कर रहे हैं कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, कॉल भी आ जाता है, लेटर भी आ जाता है, बावजूद इसके जॉब कन्फर्म नहीं हो पाती है, गए तो एक दो दिन में छूट जाती है, महीने भर में छूट जाती है, पितरों का आक्रमण होता है जॉब पे, तुम्हारी सैलरी रुकवा देते, तुम्हारी नौकरी छुड़वा देते हैं। एक और बात, पारिवारिक सदस्यों की समाज में प्रतिष्ठा सम्मान खो जाता है, जिनसे पितर रुष्ट हों समाज में उनकी प्रतिष्ठा सम्मान जो है वो हनन कर लेते हैं, उसका सम्मान नहीं बढ़ने देते। अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, बावजूद इसके उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। एक और बात, पितर रुष्ट हों तो जो तुमने नहीं भी किया हो ऐसा आरोप तुम पे मढ़वा देते हैं, उस परिवार के सदस्यों के ऊपर ऐसा आरोप मढ़वा देते हैं जिससे वो कलंकित हो जाए, वो परिवार कलंकित हो जाता है, कलंक लग जाता है। अब ये छोटी बात नहीं है, जवानों की मृत्यु, आजीविका का छूटना, वंश की वृद्धि न होना, झूठा आरोप लगाना, और इतना ही नहीं है महाराज, इससे भी आगे है, उन्हें बड़े बड़े रोग लगने लग जाते हैं, घर में लोग जीव जो है
जितने भी परिवारीजन हैं वो रोगी रहने लगते हैं। जिनके पितृ जिनसे रुष्ट हों उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी बीमार पड़ने लगते हैं, जवान जवान लोगों को बड़े बड़े रोग लगने लग जाते हैं, ऐसा होता है। और ऐसा भी होता है कि आपने धन कमाया, पहले से कमाया हुआ धन है तो वो धन या तो बुरी जगह पे लग जाएगा, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी एकदम से वो रजिस्ट्री दो नंबर की निकल गई, पैसा भी गया जगह भी गई, ऐसे खत्म करा देते हैं पैसे को, ऐसा वो नष्ट करवा देते हैं। और दूसरे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ब्याज पे पैसा दे देते हैं, लो जी 1 करोड़ रुपए ब्याज पे ले जाओ, पितृ रुष्ट हैं, ब्याज के चक्कर में वो 1 करोड़ लौटेगा ही नहीं। और ऐसे केस तो हमारे पास बहुत आए महाराज, कोरोना काल में कई कई करोड़ रुपए लोगों ने न तो ब्याज दी न पैसा दिया। और ऐसे लोग क्यों? क्योंकि आपके पितृ रुष्ट हैं, आपको नहीं मिलेगा, वो मिलने नहीं देंगे। और दुर्भाग्य तो यह है 10-5 लाख रुपए से अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर सकते, पर 10-20 करोड़ का वो नुकसान वैसे उठा लेते हैं। अरे अगर तुम अपने ही अपने पितरों का ही तुम भला कर लो तो अपना भी भला हो जाता और पितरों का भी भला हो जाता है, लेकिन जुए में हारने वाले करोड़ों लाखों लोग पैसों को अपने पितरों के हित के, इतना ही नहीं हो आगे भी है। किसानों में पितृ रुष्ट हो तो कैसे लगता है, बोले बारिश भी हुई, बीज भी हो गया, अच्छा फसल भी अच्छी हो गई, पक भी गई, सब कुछ हो गया, अचानक से ओले पड़ गए, फसल नष्ट कर देते हैं पितर, कोई ना कोई रीजन बना देते हैं। आप तो कई बार ये भी देखते हो पड़ोसी के खेत में सब कुछ अच्छा हो गया, हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा है, ये पितरों का क्रोध है। और एक बात, घर में सभी परिवारीजन आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की शकल देखना नहीं चाहते। घर में पत्नी अगर प्रतिकूल आचरण करे, पति अगर प्रतिकूल आचरण करे, मतलब पति पत्नी में भी एक दूसरे में न बनती हो, तो समझो कि हमारे पितृ लोग हमसे रुष्ट हैं। पितृ प्रेत, ऐसे लोगों को चाहिए कि मानना चाहिए कि हमारा परिवार जो है वो प्रेत पीड़ा से ग्रस्त है। प्रेत पीड़ा कतिपन अन्य लक्षण गरुण पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। इतने सारे लक्षणों से, अकेले स्वप्न से ही नहीं, इन चीजों से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में प्रेत पीड़ा है। मींस आपके घर में जो व्यक्ति गए हैं वो आपको चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन वो नहीं है, उसके पीछे रीजन हम हैं। हम क्या रीजन है, बोले हमारी ही वजह से उनको प्रेत से पितरन बनने में सहायता नहीं मिली। अब आप कहेंगे महाराज इसका उपाय तो बताओ। अच्छा जो जो गुण इसमें बताए बताओ, किस किस के साथ ऐसा है, जवाब दो। है ना, घर में नहीं बनती, लड़ाई होती है, लक्ष्मी नहीं टिकती, वंश नहीं बढ़ता, या जवानों की मौत हो रही है, घर में बीमारी बहुत बढ़ रही है, पैसा कमाने के लिए जाते हैं रहा सहा भी नष्ट हो, कौन किस किस के साथ ऐसा हो रहा है, स्वप्न में आते हैं कि नहीं आते हैं? पूरी बात से दो ही कि नहीं हुई जो मैंने बोली आपसे। इसका मतलब एक बात तो बिलीव कर लो, जो पुराणों में लिखा है वो सत प्रतिशत सत्य है, उसमें कहीं मिलावट नहीं। भाई ये तो आपके जीवन में घटित हो गया। अभी मैंने तो शुरू में तो आपसे पूछा था कि स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, आपने कहा हाँ, आपने समझा ऐसा समझो जैसे सारे पितर एक आशीर्वाद दे गए स्वप्न में, तो सबने कह दिया हाँ आते। अब जब ये घटना बताई तो आप कह रहे अरे क्यों आते हैं फिर ये, लेकिन उनके साथ ये घटना भी तो घट रही है आपके जीवन में। इसका मतलब आपका परिवार प्रेत पीड़ा से त्रस्त है।